हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और सुबह का जो काम है मेरा ख़त्म हो चुका है और नहाना वगैरह सब कुछ हो चुका है, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। जो कपड़े ना, स्वेटर वगैरह, आज इजी वाले कपड़े बहुत सारे धोए मैंने। और अभी जो है मेरे, देखो मंदिर का पर्दा लगा हुआ है, जो कि पूजा वगैरह नहीं हो रही है, अभी पूजा नहीं हो रही है तो इस वजह से अभी पर्दा लगा रखा है। पूजा जो है अभी बाद में ही होगी, 13 दिन जब हो जाएंगे ना तो उसके बाद में पूजा होगी। तो अभी जो है पूजा नहीं करते हैं ना तो ऐसा लगता है पता नहीं हमने क्या नहीं किया, अजीब सा लगता है सुबह सुबह, क्योंकि नहाने के बाद में लगता है ना पूजा करो, तो पूजा के बाद में ही सारे काम शुरू होते हैं, किचन के जो काम होते हैं वो शुरू होते हैं। तो अभी बाकी का काम जो है वो तो ख़त्म हो चुका है, किचन जैसे सुबह का जो मॉर्निंग का काम होता है वो सब खत्म हो चुका है और अभी किचन के काम शुरू होंगे। क्या बनाती हूँ, वही सिंपल खाना बनेगा। आप लोगों ने देखा ही कि बिना छुके हुए बनता है, तो सब्जी तो बनेगी लेकिन वो ऐसे ही बना लेती हूँ तो, और ठीक लगती है वो भी, क्योंकि कई दिन से ऐसे ही चल रहा है तो अपना ठीक लगती है। उसके साथ में वही सारी सब्जियां ना सूखी हैं, या तो आलू टमाटर बना लो, नहीं तो सूखी सब्जियां हैं, गाजर आलू, गोभी आलू, शिमला मिर्च, मतलब सूखी सब्जियां हैं सारी सब्जियां। तो उसके साथ मुझे रायता भी बनाना पड़ता है, तो देखूंगी अभी क्या बनाना है। सब्जी तो बहुत सारी रखी हुई है, गाजर वगैरह सब कुछ रखी हुई है, तो बाकी देखूंगी अभी किचन में जाके क्या बनाना है। तो चलते हैं, मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। और वीडियो आपको देखो पसंद नहीं आ रही है तो भी मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, जो कि लाइक किया करो और सब्सक्राइब जरूर करो। जो न्यू आ रहे हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो कि मेरी वीडियो थोड़ा ज़्यादा जाए। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में, और यहाँ मेरी सब्जी बन चुकी है, देखो बिल्कुल सिंपल वाली सब्जी है, ऊपर से टमाटर वगैरह डाल के बनाए, आलू शिमला मिर्च की सब्जी है ये। तो ये बन चुकी है, और इधर मैंने धनिया पत्ती काट ली है, जो कि धनिया पत्ती से टेस्ट जो है और भी अच्छा आता है। और इसको कर दूंगी अब बंद, और आज मेरा रायता देखो किस में बन रहा है रायता बना रही हूँ आज इसमें, क्योंकि ये ना हींग का डब्बा है और ये दुकान से आया है, और उन्होंने जो भैया है उन्होंने बोला था कि इस डब्बे में रायता बनाना, तो इस वजह से मैं रायता इसमें बना रही हूँ, क्योंकि हींग की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और ये भी बिना छुके हुए बनेगा तो इसमें भी ऐसे ही सब कुछ डाल देती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, जो कि मिर्ची भी डाल दी है मैंने, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और ये डालना है काला नमक, जो कि काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं सिंपल वाला नमक। और बाकी मेरा काम हो चुका है, सब्जी वगैरह सब कुछ बन चुकी है, इधर मैंने दूध भी गर्म कर दिया और ये सब कुछ बन चुका है। आज इसमें बूंदी नहीं डाल रही, बूंदी गलेगी नहीं, नहीं तो। और ये आटा भी लगा दिया मैंने, इसको भी थोड़ा सा अभी मत के अभी निकाल के रखूंगी, और बाकी अभी रोटियां सेकूंगी। तो खाने का भी टाइम हो गया है, 11:30 बज गया है काम करते करते, 11:30 बज चुके हैं, तो थोड़ा बहुत देर में खाना बना लूंगी। और ये रायता में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अभी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, हींग की बहुत ज़्यादा, और हमारे बाबूजी नहीं खाते थे हींग, मतलब मम्मी को तो पसंद है हींग डाल के ना सब चीज़। तो सब्जी वगैरह मेरी हो चुकी है, अब रोटियाँ सेकूंगी बस। अभी बज चुके हैं 9 रात के, जो कि हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है। दोपहर के बाद में मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, और उसके बाद मैं ऊपर से वही कपड़े वगैरह लेके आई, तभी जो है मेरी भाभी आ गई थी, और भाभी के साथ मेरी एक फ्रेंड है वो भी आई थी घूमने के लिए, क्योंकि जो
मेरी जिठानी जी है ना, उनका पता चल गया था उनको, तो वो घूमने के लिए आई थी। फिर शाम को वो गई, उसके बाद में हमने खाना पीना किया और खाने में बनाया था आज पुलाव, तो जल्दी से काम ख़त्म हो गया। और बड़े वाला जो है वो पुलाव वगैरह चावल कम खाता है, तो मैंने उसके लिए आटा उठा के रख दिया था थोड़ा सा दोपहर में, पता थी मैंने कहा शाम को बनाना है तो आटा रख दिया था, और थोड़ी सी सब्जी रख दी थी एक कटोरी उठा के। लेकिन वो उसने भी आज पुलाव भी खाया, उसने भी नहीं रोटियां खाई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है घर में नहीं होता ना तो फिर बनाना पड़ जाता है अलग से, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है मतलब ऐसी चीज़ें। लेकिन आज उसने पुलाव ही खा लिया, तो हमारा काम जो है जल्दी से ख़त्म हो गया। और फिर काफ़ी देर बातचीत होती रही, बैठे रहे, और जो मेरी जिठानी जी हैं उनकी उनके बारे में पता चल के ना, तभी आई थी भाभी सुन के, ऐसे होता है ना सब मिलने चले आते हैं कि वही मिल के आते हैं कैसे हुआ क्या हुआ वही सब चीज़ें। तो वो आई थी, काफ़ी देर रुकी, और तो अभी मैं यहाँ बैठी हुई थी, मैंने कहा लाओ अभी आज तो मेरी वीडियो भी नहीं बनी है, तो ये प्रांशु जो है यहाँ पढ़ाई करता है वो आएगा अभी थोड़ी देर में। और वैसे भी बच्चे तो ऐसा दूर भागते हैं ना फ़ोन से, फ़ोन को पता चल जाए, जैसे कि मैंने कल जो है मैंने क्या, वो बड़े वाले ने उठा के और बोले ऐसे नहीं उठाएंगे, देखो मम्मी अभी उठाता हूँ मैं, तो सच में उठ के भागे हूँ। तो ऐसे ही होता है, बच्चे कम आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको क्या है, उनको ऐसा लगता है कि अरे हम ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब उन्हें पता नहीं क्या लगता है कि कपड़े चेंज करके तभी आना चाहिए, जबकि मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही आती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही होना चाहिए नॉर्मल जो हमारी लाइफ है डेली रूटीन में। हम मतलब ऐसे नहीं कर सकते, अलग से कुछ नहीं दिखा सकते, जो है सामने वही सब दिखाएंगे। तो लेकिन बच्चों को अजीब लगता है आने में, कभी कभी कहीं बाहर जाते हैं या कुछ होता है तो आ जाते हैं, लेकिन घर में जो है आना पसंद नहीं करते, कभी कभी आ जाते हैं। तो चलिए फिर इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।